लक्स डांस इंडिया डांस के तीनों मास्टर्स ने सीजन 1 और सीजन 2 में कई बेहतरीन डांसेस देखे हैं, लेकिन डीआईडी लिटिल मास्टर्स में जिस तरह के नन्हे सितारे मिले हैं उसे देखकर तो ये भी हैरान हैं। डीआईडी लिटिल मास्टर्स का एक्सपेक्टेशंस मुझे काफी है, क्योंकि जो बच्चे हमने ऑडिशंस में सिलेक्ट किए हैं वो डांस के बाप हैं। Terrific performance and sab patake ekdam bomb. And I am very sure this little master also will die. जिस तरीके से हम लोगों ने उसका नाम रखा है कि डांस के बाप, ये एक्चुअली सही रखा है, क्योंकि ये इतने इतने बच्चे हैं लेकिन ये बाप हैं ये सब। बच्चों में जितना टैलेंट भरा हुआ है आई थिंक दैट इज अनबिलीवेबल, और लिटिल मास्टर्स के आने से आई थिंक ये जो एक वॉइड था जो छोटे अंडर 14 का टैलेंट वो सबको देखने मिलेगा। इस शो पे जजमेंट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बच्चे एक से बढ़कर एक हैं, डांस के बाप हैं, तो किस तरह से बाप को बोला जाए कि भाई आप थोड़े कम पढ़ रहे हो और आपको मुश्किल होने वाली है आगे जाने के लिए, दैट्स गोइंग टू बी टफेस्ट जॉब। डीआईडी लिटिल मास्टर्स के फाइनल ऑडिशन के दौरान कुछ नन्हे सितारे ऐसे भी मिले जिनकी प्रतिभा सुपर 16 से किसी मायने में कम नहीं थी, पर वो दिन शायद उनका नहीं था। हमारे हेडमास्टर्स ने ऐसे नन्हे सितारों को डीआईडी लिटिल मास्टर्स के स्टैंड बाई में रखा है, जो डांस के सबसे बड़े मंच पर कभी भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। मुझे बोला गया कि तुम स्टैंड बाई में हो, तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई टॉप 16 में। सब लोग ने अच्छा परफॉर्म किया था तो मेरी परफॉर्मेंस में कुछ कमी हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे स्टैंड बाई में रखा है। थोड़ा सा दुख हुआ था, पर खुशी इस बात की हुई थी कि मैं इधर ही हूँ। मैं स्टैंड बाई हूँ कि मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग मिलता है। फिर मैंने सोचा कि मुझे और एक चांस मिला है तो मैं उस पर बहुत बहुत प्रैक्टिस करूँगी। जय सर की टीम में गई और मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे जय सर बहुत पसंद है, उनका स्टाइल, उनके डांस बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। स्मृति बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक डांसर है एंड वो सब कुछ बहुत ही बढ़िया करती है विथ हर एक्सप्रेशन, एंड उसका एक्सप्रेशन इज लाइक माइंड ब्लोइंग। स्मृति एक्चुअली बहुत अच्छी है, वो हमारे हर डांस सीखती है, उसे ऐसा कुछ मन में नहीं है कि ये लोग डांस करते हैं तो मैं उसे चिढ़ाऊँ या कुछ करूँ। मारपीट भी करते हैं हम लोग, बहुत मस्ती करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मेरा और दिव्यम का लड़ाई होता है। yeah, 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 yeah. Whoa, वैसे हम लड़ाई नहीं मस्ती ज़्यादा करते हैं। अभिया झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, बोलेगा हाँ? मनप्रीत जो है वो एक बहुत ही स्मार्ट बच्चा है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं टॉप 20 में आया हूँ, मयूरेश और शाली दीदी की टीम में आया हूँ। ये पहला सरदार है जो बल्ले बल्ले नहीं करता, जो बाले बाले करता है। Watch it, man. लगता नहीं है कि स्टैंड बाय में हमारे से भी अच्छा वो करता है। परफॉर्मेंस जब करते हैं हम तो बहुत बुरा लगता है कि वो स्टैंड बाय में, मगर हमारे साथ बहुत मस्ती करते हैं। एक दिन में तो एक बार अपना जायज दिखाई देता है, वो हर फॉर्म में उन्हें जायज सेट ठूस देता है। ही इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, एक सरदार जी विद बैले, तो ही इज द मोस्ट लीथल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने आज तक जो देखा है। और एक तो भूल गए, वो गाना भी बड़ा अच्छा गाता है। तू मेरी बूफर, मैं तेरा एम्पलीफायर। ब्रेकअप मार मार टायर दी नची कटदा, सारे लोग की तक देवे की हो गया। बूफर तू मेरी, मैं तेरा एम्पलीफायर। आधार, ये है अम्मा। आधा जो है हमारा बिग डैडी है, ये हमारी बिग मम्मी। बदमाश है सरद,
शरारती है। हाँ शरारती हूँ। कभी कभी मन करता है इसको ही मारने का, लेकिन हम अम्मो के डर के मारे नहीं मारते इसको। बहुत अच्छी डांसर है, पर जब स्टेज पर होती है तभी एक्सप्रेशन देती है, जब ऐसे होती है। आदर भैया हमको बहुत गाइड करते हैं, हमारा ध्यान भी रखते हैं। आधार जो है बहुत ही मच्योर बंदा है, बहुत स्टेबल है, काम है एंड बहुत वर्सेटाइल है, और जिस किसी स्टाइल में उसकी नॉलेज उतनी नहीं है उसको वो बहुत अच्छे से कोप अप करता है। मेरे को बीच बीच में बुरा भी लगता था कि मुझे भी करना चाहिए, अम्मा मेरे को 100% सपोर्ट करती थी, तो मेरे को उस बात का बहुत अच्छा लग रहा है। याना एक्चुअली है बहुत, दिखने में बड़ी रहती है लेकिन वो सबसे छोटी है। वो याना बहुत सॉलिड है, उसका डांस स्टाइल बहुत अच्छा है, उसका उसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा है। सब मेरा फ्रेंड्स है क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से, मुझे स्टेप्स नहीं आते तो मुझे बोलते हैं ये स्टेप रॉन्ग है, मैं सिखाती हूँ, और वो सिखाता है हमको, बहुत अच्छा है। जानू बोलो ना, तो बहुत ज्यादा है हमारे, इसको प्यार से जानू, तो शर्मा जाएगी। देखो देखो याना बहुत बहुत अच्छा है। मुझे तो ये लगता है कि जब भी इसका जब भी पहला परफॉर्मेंस होगा स्टेज पे तो ये फाड़ देगी। आई नो आधार इज गोना विन द शो। कंपटीशन टफ है पर मैं अपना बेस्ट दे। She is really a fabulous, fantastic dancer. जब भी परफॉर्म करेगी स्टेज पे तभी पूरा फाड़ के हम लोग की टीम में आएगी। मुझे पूरी विश्वास है कि मैं स्टेज में जाकर रॉक करने वाली हूँ। बहुत बुरी तरह से वो वेट कर रहा है कि मेरा मौका कब आएगा। मैं उसको विश करूंगी वो पक्का वापस आए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दे और वो वापस आके रहे। मैं बहुत मेहनत कराऊंगी, सब दिन छुट्टी कर दूंगी।